हेलो गाइज, वेलकम बैक। सुनील अटोकर। सो आज आप सभी के सामने पेश है हुंडई ग्रैंड एडर नियोस। ये अपने सेगमेंट की बेहतरीन से फुली फीचर लोडेड हैचबैक कार। एंड आज आप लोग यहाँ पे देखेंगे इसके मोस्ट वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट स्पोर्ट को। तो स्पोर्ट वेरिएंट अभी आपके सामने खड़ा हुआ, जिसको आज हम लोग डिटेल में कवर करेंगे एंड आपको दिखाएंगे इसका प्रॉपर पूरा रिव्यू वीडियो। तो सबसे पहले स्टार्ट करें अगर इसकी प्राइसिंग से, तो जो इसका बेस मॉडल यहाँ पे रहेगा 5,92,000 से एक्सेल में स्टार्ट होता है। टॉप मॉडल में जाता है 9 से 10 लाख तक। बाकी इंजन स्पैक आपको उसमें पेट्रोल एंड बायोफ्यूल सीएनजी का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, जिसमें आपको मैनुअल एंड ऑटोमेटिक दोनों ट्रांसमिशन प्रोवाइड किए जाएंगे। एंड ये वेरिएंट यहाँ पे इसका होने वाला मोस्ट वैल्यू फॉर मनी, उसका रीजन ये रहेगा यहाँ पे आपको उसमें मिलेंगे जरूरत के सारे फीचर्स। बाकी वेरिएंट्स यहाँ पे इसमें मिलेगा इसका बेस एरा, देन मैग्ना, स्पोर्ट एंड आस्टा इसका रहेगा टॉप मॉडल। चार वेरिएंट्स आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं इस कार के साथ। व्हाइट कलर में अभी आपके सामने यहाँ पे कार खड़ी हुई है, बाकी और भी काफ़ी सारे आपको उसमें कलर ऑप्शंस मिल जाएंगे। फ्रंट प्रोफाइल की तरफ आएंगे, सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे हुंडई का लोगो, ग्लॉसी ब्लैक फिनिश में यहाँ पे इसकी पूरी फ्रंट ग्रिल, हेडलैम्प्स वगैरह आपको ऑटोमेटिक प्रोजेक्टर्स यहाँ पे देंगे, पीले वाले प्रोजेक्टर्स रहेंगे इसी में, इंडिकेटर्स के यहाँ पे प्लेसमेंट, नीचे इसके DRL, डे टाइम रनिंग लाइट्स। और इसके बाद नीचे का इस तरह पूरा रहेगा इसका फ्रंट इंजन एंड सस्पेंशन सेटअप। ग्राउंड क्लियरेंस इस कार में आपको मिलने वाला है 165 mm का, 165 mm का इस कार के साथ। तो ये बात होगी इसके पूरे फ्रंट प्रोफाइल की। अब बढ़ते हैं आगे की तरफ, यहाँ पे रहेगा इसका डुअल वाइपर एंड वॉशर की प्लेसमेंट, रूफ प्लेन से आती डुअल टोन का भी ऑप्शन रहेगा, रूफ रेल्स वगैरह भी रहेंगी इसके रूफ में। साइड प्रोफाइल में सबसे पहले गाड़ी की आपकी नजर जाएगी इनके स्टील लिम पे, जो आपको स्टाइलिश स्टील लिम आपको मिलने वाले 15 इंचेस के, जो लुक लाइक एलॉस का आपको यहाँ पे फील देंगे। तो इस तरह कुछ इनका स्टाइल रहेगा। टायर प्रोफाइल की अगर बात करें, ये यहाँ पे रहेगा 175/60 और 15 इंचेस के, इसमें रेडियल के टायर्स, आउटसाइड मिरर सेम बॉडी कलर, जो आपको इलेक्ट्रिक वे एडजस्टेबल यहाँ पे देखने को मिलेंगे इसी में। यहाँ पर रहेगा इंडिकेटर्स की प्लेसमेंट। अंदर देखेंगे तो डैशबोर्ड वगैरह डुअल टोन में, टच स्क्रीन, रिवर्स पार्किंग कैमरा, 6 एयरबैग्स आपको मिलेंगे, यहाँ पे कवर वगैरह लगाया जा रहा है। पीछे इसका फ्यूल फिलर कैप, 37 लीटर फ्यूल टैंक कैपेसिटी आपको मिलेगी इस कार की। अब देखिए इसकी बैक प्रोफाइल, इस सेगमेंट की सबसे बेहतरीन से लगती बैक प्रोफाइल, क्योंकि यहाँ पे आपको उसमें मिलेंगे कनेक्टेड बैक लाइट्स। बाकी वारंटी वगैरह वही मिलती है आपको उसमें 3 साल 1,00,000 किलोमीटर की, जिसको फर्दर आगे भी आप एक्सटेंड करा सकते हैं। एंड कंपटीशन की बात करें तो हुंडई ग्रैंड एडर नियोस का सीधे मारुति वैगनर, टाटा टियागो जैसी हैचबैक कारों के साथ होता है इसका तगड़ा सा कंपटीशन। इसका क्या है ना, फीचर्स भी एक से बढ़कर एक और आने, यहाँ पे लुक्स भी आपको मिलेंगे काफ़ी बेहतरीन से। बैक प्रोफाइल से देखिए इस कार को, एकदम बढ़िया से लग रही देखने में। सेंटर में सबसे पहले देखेंगे रिवर्स पार्किंग कैमरा, हुंडई का लोगो, नीचे यहाँ पर रहेगी नियोस की बैजिंग, कनेक्टेड बैक लाइट्स है बट ऑन यहाँ पे पूरी नहीं होगी, साइड ही में ऑन होगी। साइड में ग्रैंड एडर की यहाँ पे बैजिंग, राइट साइड में स्पोर्ट वेरिएंट तो उसके यहाँ पे बैजिंग आपको दी गई है। इस बैक लाइट्स में आपको इंडिकेटर्स एंड रिवर्स लाइट यहाँ पे मिलेगी। एंड स्पेशल थैंक्स SS हुंडई कानपुर रोड लखनऊ, जिन्होंने वीडियो बनाने का मौका दिया। इनकी सारी कॉन्टैक्ट डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगी। डिफॉगर आपको यहाँ पे मिलता है स्टूडेंट के साथ, हाई माउंट स्टॉप लैम्प, ऊपर की तरफ यहाँ पे इसका शाफ्ट फैन एंटीना, रूफ रेल्स, बम्पर में 2 रिवर्स पार्किंग सेंसर्स, रिफ्लेक्टर्स वगैरह यहाँ पे देख सकते हैं। और नेम प्लेट वाली लाइट येलो वाली आपको मिलेगी, ब्लैक कलर की यहाँ पे स्किड प्लेट। नीचे का देखिए इसका रियर सस्पेंशन सेटअप एंड इधर यहाँ पे इसकी पूरी एग्जॉस्ट पाइप। तो ये हो गया इसका नीचे का पूरा सिस्टम। अब बचता है इस गाड़ी का बूट स्पेस, आइए खोल के आपको दिखाते हैं। तो यहाँ से खोलते हैं इसके स्टेल गेट को। तो इस कार में आपको मिलने वाले 260 लीटर के आसपास यहाँ पे बूट स्पेस जो रहेगा इस सेगमेंट का, एकदम बढ़िया सा। यहाँ पे पूरा अपना सामान वगैरह रख लीजिए, ऑलरेडी यहाँ पे सब एक्सेसरीज इन्होंने रख रख के देख रहे हैं ना, सब कवर वगैरह यहाँ पे एकदम सॉलिड सा पूरा भर दिया है। तो यहाँ पे ज़्यादा स्पेस आपको नहीं दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे आपका बढ़िया सा पूरा सामान आ जाएगा, जो यहाँ पे काफ़ी ढेर सारा आएगा। पार्सल ट्रे वगैरह यहाँ पे ऊपर की तरफ रहेगी एंड स्टेपनी वाला जो इसका टायर रहेगा ना, नॉर्मल साइज स्टील में पे नीचे आपको प्लेस मिलेगा, सामान रखा हो इसलिए यहाँ पे खोल के आपको नहीं दिखा सकते। तो ये था इसका बूट स्पेस, अब इसको यहाँ पे करेंगे बंद, फिर चलेंगे कार के अंदर। उससे पहले बात करते हैं इसके यहाँ पे डायमेंशन के बारे में। तो इस हुंडई ग्रैंड एडर नियोस के साथ आपको इसमें मिलने वाली है 3815 mm की यहाँ पे इसकी लेंथ, 1680 mm की इसके यहाँ पे चौड़ाई विथ एंड 1520 mm की इस गाड़ी की यहाँ पे इसकी हाइट देखने को मिल जाएगी। एंड व्हील बेस यहाँ पे इसके साथ रहेगा 2450 mm का। तो ये तो बात हो गई इसके यहाँ पे पूरी डायमेंशन की। कलर ऑप्शन में आप इसका व्हाइट कलर देख रहे हैं, व्हाइट, ग्रे, रेड, इसके साथ ब्लू, एक्वाटेल एंड सिल्वर, ये काफ़ी ढेर सारे कलर ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं इस कार के साथ। डुअल टोन का ऑप्शन लेना चाहे तो वो भी आपको मिलेगा इस कार में। बाकी डायमेंशन यहाँ पे होगी, वारंटी वगैरह भी मैंने आपको बता दी। एंड इस कार में आपको स्टैंडर्डली काफ़ी सारे फीचर्स मिल जाते हैं, जो इस सेगमेंट की आपको दूसरी कार्स में देखने को नहीं मिलेंगे। अब आइए चलते सेकंड वाली रो पे, यहाँ पे GI10 की आपको मिलती बैजिंग। हैंडल वगैरह देखेंगे तो चारों आपको मिलेंगे यहाँ पे सेम बॉडी कलर। डोर को खोलते हैं, डुअल टोन में इसकी डोर ट्रिम, डोर ओपनर पूरा सिल्वर फिनिश में, यहाँ पे पावर विंडो का कंट्रोल, नीचे स्पीकर, बॉटल की प्लेसमेंट, सीट्स वगैरह फैब्रिक के रहेंगे, कवर वगैरह सब बाद में लगा है। अंदर बैठने के बाद देखिए इसका डैशबोर्ड का व्यू, टच स्क्रीन, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, पीछे के लिए बड़ा साइज इवेंट्स वगैरह एंड 12 वोल्ट का चार्जिंग आउटलेट यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है।
बैठने के बाद लेग रूम नी रूम वगैरह इस सेगमेंट के हिसाब से आपको सही से मिल जाएगा। ऊपर देखेंगे रूफ लाइट वही येलो पीली वाली मिलेगी, ग्रैप हैंडल, पीछे हेडरेस्ट में लग रहा है भाई सब कवर, तो इस वजह से यहाँ पे निकालेंगे, दोनों एडजस्टेबल हेडरेस्ट रहेंगे। तो ये तो बात होगी इसकी स्पेस की, दो लोग आराम से बैठेंगे, तीन बंदे भी यहाँ पे बैठाए जा सकते हैं। मड फ्लैप वगैरह यहाँ पे लग रहा है, सब एक्सेसरीज का काम यहाँ पे फटाफट तैयार किया जा रहा है, गाड़ी को होने वाली फटाफट यहाँ पे इसकी पूरी डिलीवरी। अब चलते हैं ड्राइवर साइड की तरफ, ये देखिए इसके हैंडल। तो आइए खोलते हैं यहाँ पे इसकी डोर को, वही पीछे की तरह सेम आपको यहाँ पे डोर देखने को मिल जाएगी। डैशबोर्ड भी पूरा डुअल टोन में यहाँ पे आपको ऑफर किया जाता है। चाबी आपको नहीं दिखाई वो आपको दिखाते, इस तरह फ्लिप रिमोट सेंट्रल लॉकिंग की यहाँ पे रहेगी, जिसमें लॉक अनलॉक बटन लॉक के बटन पीछे रहेगा हुंडई का लोगो, इसको लगा देते हैं यहाँ पे। एक तो मैनुअल की, दूसरी रिमोट सेंट्रल लॉकिंग की। डोर में ऊपर की तरफ डोर ओपनर, नीचे ऑल फोर पॉइंट के कंट्रोल्स मिल जाएंगे, इसी में लॉक अनलॉक के बटन, ओआरबी एडजस्टमेंट के कंट्रोल्स, स्पीकर बॉटल होल्डर की यहाँ पे मिलेगी प्लेसमेंट, सीट कवर वगैरह सब बाद में लगे हैं, एंड हाइट एडजस्टमेंट, सीट रिक्लाइन दोनों ऑप्शन आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं। यहाँ पे ट्रैक्शन कंट्रोल, हेडलैम्प एडजस्टर वाला स्विच, मैनुअल ट्रांसमिशन के बीसी पैडल, एंड ब्लू कलर की यहाँ पर रहेगी लाइटिंग। चलिए अब चलते कार के अंदर। सो गाइस अभी आ चुके हैं गाड़ी के अंदर, तो सबसे पहले अब ऑन करेंगे इसका इग्निशन, यहाँ से ऑन करते हैं पूरा देखेंगे। अनलॉक आपको मिलेगा इसका यहाँ पे क्लस्टर, जिसमें काफी सारी चेकलाइट्स वगैरह रहेंगी। सो ये आप यहाँ पे देख रहे हैं हुंडई ऑरा का सबसे मोस्ट वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट स्पोर्ट, जिसमें आपको मिलेंगे जरूरत के सारे फीचर्स। तो स्टार्ट करते हैं आप इसके स्टीयरिंग व्हील से, यहाँ पे देखेंगे हुंडई का लोगो, एंड इस वेरिएंट में आपको यहाँ पे क्रूज कंट्रोल भी देखने को मिलेगा, बाकी यहाँ पर रहेंगे एमआईडी के कंट्रोल्स। लेफ्ट साइड जाते हैं तो यहाँ पे टेलीफोनिक इन्फोटेनमेंट कॉल वगैरह के सारे कंट्रोल्स देखने को मिलेंगे यहाँ पे। कोई भी रैप वगैरह आपको नहीं मिलता है, एडजस्टमेंट की अगर इसके बात कर ले तो ये आपको यहाँ पे टिल्ट एडजस्टेबल यहाँ पे देखने को मिल जाएगी इसकी स्टीयरिंग। ये हो गई यहाँ पे फिक्स ऑटोमेटिक हेडलैम्प साथ है इस वेरिएंट के साथ, तो यहाँ पे इसके कंट्रोल्स, यहाँ पे वाइपर्स के कंट्रोल्स, एंड ये इसका पूरा एनालॉग क्लस्टर। इस तरफ यहाँ पे इस कार पे मीटर रहेगा, इधर स्पीडोमीटर 220 की मार्किंग। नीचे देखेंगे तो यहाँ पे रहेगी फ्यूल गेज वाली सारी इन्फॉर्मेशन, जैसे कि कितना कुछ, अभी पेट्रोल है, सीएनजी वाले में जाएंगे तो उसका भी बार आपको अलग मिल जाएगा। यहाँ पे टेम्परेचर वगैरह आप देख सकते हैं पूरा, बाकी बीच में इसके एमआईडी स्क्रीन, जिसमें आपको मिलेगी काफी सारी इन्फॉर्मेशन देखने के लिए। यहाँ पे आपको कंट्रोल्स मिलेंगे अभी, तो ये देखिए सबसे पहले ड्राइव इन्फॉर्मेशन यहाँ पे हो गई, कितने की गाड़ी चल चुकी, रेंज माइलेज वगैरह, एंड इधर यहाँ पे टीपीएमएस भी आपको मिलता है, टायर प्रेशर माउंटिंग सिस्टम, और अगर आपको देखनी हो डोर लाइट यहाँ पे, और काफ़ी सारी चीज़ें देखने को मिल जाएंगी। सो ये आपने देख लिया, अब इसके बाद बात आती है इसके डैशबोर्ड की। पूरा डुअल टोन में आपको यहाँ पे इसमें दिया गया है 8 इंचेस वाली यहाँ पे रहेगी टच स्क्रीन, वाड़ा ब्यूटी, म्यूट करते हैं इसको। तो ये 8 इंचेस वाली आपको यहाँ पे टच स्क्रीन देखने को मिलेगी। कनेक्टिविटी की बात करें तो वही एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कार पे यूएसबी आउट जैसी यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। इतनी कुछ यहाँ पे इसमें देखेंगे, एप्लीकेशन वगैरह रहेंगी, और रिवर्स पार्किंग कैमरा इसके साथ मिलेगा, ये लगाया रिवर्स गियर। ये देखिए इसकी कैमरे की क्वालिटी, ये भी आपको बढ़िया सी यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। न्यूट्रल इसको कर देते हैं, एंड साइड में सब ट्रैक वगैरह चेंज करने के बटन यहाँ पे, मीडिया रेडियो वगैरह के, वॉल्यूम वगैरह के यहाँ पे देखेंगे तो इसके यहाँ पे कंट्रोल्स देखने को मिल जाएंगे। नीचे हेजल लाइट का स्विच, एसी वेंट्स वगैरह पूरे ब्लैक फिनिश में आपको मिलते हैं, एंड ये इसका रहेगा फुल्ली ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल इस स्पोर्ट वेरिएंट के साथ। नीचे की तरफ 12 वोल्ट का चार्जिंग आउटलेट, टाइप ए टाइप सी दोनों आपको यहाँ पे यूएसबी के पोर्ट्स देखने को मिल जाएंगे। फोन वगैरह यहाँ पे आराम से रख लीजिए अपना, एंड अपग्रेड करेंगे अपर में तो वहाँ पे आपको वायरलेस चार्जिंग वाला पैड भी मिलता है इस जगह पे। 5 स्पीड इसका मैनुअल ट्रांसमिशन, ऑटोमेटिक में जाना चाहें तो उसका भी ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। इधर आते हैं तो 2 ग्लास होल्डर्स यहाँ पे आपको इसमें दिए गए, ये हो गए इसके यहाँ पे हैंड ब्रेक। इधर के देखेंगे इसके डोर ट्रिम, एयरबैग्स आपको यहाँ पे 6 मिलते हैं इसके बेसिक मॉडल से, बेस मॉडल से आपको 6 एयरबैग्स यहाँ पे दिए जाएंगे, बाकी टीपीएमएस ट्रैक्शन इस तरह की काफ़ी सारे फीचर्स मिलेंगे, एंड ऑल फोर पॉइंट्स के कंट्रोल्स, हाइट एडजस्टमेंट वाली सीट से काफ़ी सारे फीचर्स यहाँ पर रखे गए स्टैंडर्ड इस कार के साथ। यहाँ पे छोटा मोटा स्पेस, फोन वगैरह अपना कुछ भी सामान रख सकते हैं, ग्लव बॉक्स का स्पेस यहाँ पर देख लीजिए, एंड ऊपर आएंगे तो यहाँ पर दिया गया इसका मैनुअली, इसका मैनुअली एडजस्टेबल इसका IRVM। माइक वगैरह बात बात करने के लिए सनवाइजर में यहाँ पे आपको उसमें मिलेगा टिकट होल्डर, और इस तरफ यहाँ पे देखेंगे तो आपको वैनिटी मिरर भी यहाँ पे ऑफर किया जाएगा। बाकी ग्रैब हैंडल वगैरह ये हो गए, एयरबैग्स की ब्रांडिंग आपको यहाँ पे पिलर्स में मिलती है, बाकी फ्रंट वाली दोनों सीट्स में रहेगी उसकी ब्रांडिंग। इधर जाते हैं तो ये तो भाई साहब पीछे वाला फंडा हो गया, पीछे वालों के लिए यहाँ पर रहेगी रूफ लाइट। तो ये था यहाँ पे हुंडई नियोस का बड़ा सा स्पोर्ट वेरिएंट के अंदर का पूरा डैशबोर्ड, इंटीरियर फीचर, जो जो आपको चाहिए होते हैं ना, जरूरत वाले मतलब दिनचर्या वाले, वो सारे आपको यहाँ पे देखने को मिल ही जा रहे हैं। बाकी बड़े सा पेट्रोल सीएनजी का ऑप्शन यहाँ पर रहता है इस कार के साथ। अब आइए निकलते हैं इसके बाहर, फिर बात करते हैं इसके इंजन स्पेक, प्राइसिंग एंड फीचर्स के बारे में। ऑफ करेंगे सबसे पहले इसके इग्निशन को। सो अब आपको दिखाते हैं इसका यहाँ पे पूरा इंजन स्पेक। तो खोलने के लिए यहाँ पर रहेगा इसका लीवर। इस गाड़ी में आपको पेट्रोल एंड बायफ्यूल सीएनजी का ऑप्शन मिलेगा, बाकी डीजल वगैरह का कोई भी ऑप्शन आपको नहीं मिलता है इस हैचबैक कार के साथ।
सो यहाँ पे आप इसका देख रहे हैं 1.2 लीटर में 4 सिलेंडर कापर पेट्रोल इंजन ऑप्शन। तो यहाँ पे देखेंगे के 1.2 की आपको बैचिंग भी देखने को मिलती है, बाकी कूलेंट वगैरह सब इधर पड़ेगा। यहाँ पे बैटरी वगैरह का देखेंगे पूरा कंपार्टमेंट देखने को मिल जाएगा। इंसुलेशन वगैरह यहाँ पे आपको देखने को नहीं मिलेगी क्योंकि ऑलरेडी इसका इंजन वगैरह रहता है काफ़ी स्मूथ, यहाँ पे देखने को मिल जाता है। बाकी ये तो आप इसका 4 सिलेंडर यहाँ पे इंजन ऑप्शन देख रहे हैं। यहाँ पे अगर इस सेगमेंट की दूसरी कार्स में जाते हैं ना टियागो वगैरह, तो वहाँ पे आपको मिलेगा 3 सिलेंडर का पेट्रोल इंजन ऑप्शन। पावर फिगर की बात करें तो आपको उसमें मिलेगी 82 bhp की पावर एंड 113 nm का टॉर्क मिल जाता है। माइलेज भी मान के चलिए 20 km तक यहाँ पे देखने को मिलेगा इस कार के साथ। बाई फ्यूल जैसा CNG में जाते हैं तो वहाँ पे आपको पावर फिगर थोड़ी कम मिलेगी, उसमें आपको 67 bhp की पावर मिलती है, 95 nm का टॉक, वही 28 तक माइलेज मिलता है इस कार के साथ। एंड अब फाइनली लास्ट में बात आती है इसकी कीमत की। अगर इस नियोस स्पोर्ट वेरियंट को आप लेंगे पेट्रोल वेरियंट के साथ जो भी आपके सामने खड़ा है, तो ये आपको पड़ने वाला है 736,400 रुपये एक्स शोरूम एंड वही जाएगा 850,000 के आसपास ऑन रोड लखनऊ। एंड ये पे अगर आप इसके CNG वेरियंट्स में जाएंगे तो मोटा 1,00,000 आपको और इससे एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा, वो आपको पड़ेगी 823,000 एक्स शोरूम एंड वही जाएगी 947,000 के आसपास ऑन रोड लखनऊ। सेफ्टी फीचर्स में आपको उस कार के साथ ABS विद EBD, 6 एयरबैग्स, रिवर्स पार्किंग सेंसर, रिवर्स पार्किंग कैमरा, ट्रैक्शन, TPMS, ESP, सीट बेल्ट वार्निंग, इंजन इम्बलाइजर, क्रैश सेंसर, ही काफ़ सारे फीचर्स आपको देखने को मिलते हैं इस कार के साथ। सो यही आज का हमारा वीडियो इस Hyundai Nios के स्पोर्ट वेरिएंट पे। अगर आज का हमारा वीडियो पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर दें एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।